हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9 से 10 साल की बेबी गर्ल का हाई लो टॉप बनाना सीखेंगे। यहाँ मैंने जो कपड़ा लिया है वो 1.25 मीटर है, यानी कि 1.25 मीटर है। इसमें हम हाई लो टॉप बनाएंगे विद बाजू। इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, यानी 4 तह लगा ली है। ये मेरा खुली साइड है और जो दूसरी तरफ है वो बंद साइड है। अब हम सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ जो मैंने टॉप पार्ट लिया है वो 11 इंच का लिया है। यहाँ हम 11 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे सीधा करके इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं और जो हमारा आर्म होल है वो मैंने यहाँ पर 6 इंच लिए हैं। अब आर्म होल के लिए जितना तीरा लिया था हमने, यानी 5.5 इंच, उतना ही नीचे हम 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और तीरे से नीचे तक की लाइन को सीधा मिला लेंगे। यानी हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ चेस्ट है 30 इंच, 30 इंच का फोर्थ पार्ट हुआ 7.5 इंच। यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। मार्जिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ कमर है 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे आता है 7 इंच, 7 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब कमर की साइड ऊपर हमें 0.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे हल्का सा राउंड शेप दे देनी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ मैंने बैक पार्ट का आर्म होल का निशान लगाया है और फ्रंट पार्ट के लिए 0.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है। तीरे को हमें 0.5 इंच डाउन करना है। तो यहाँ 0.5 इंच पे निशान लगाकर इसको तिरछा मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। नीचे से जो हमने गोलाई दी थी उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने दोनों पार्ट को लेना है और इस पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है उस पे एक कट लगा लेना है। इसके बाद हम फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे घेर की कटिंग करेंगे। इसके लिए मेरे पास जो भी फैब्रिक बचा है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैंने डबल फोल्ड किए हुए हैं और मेरे को जितनी भी बाजू बनानी है उतना मैंने इस कपड़े में से माइनस कर लिया है। और जो मेरे घेर की अब लंबाई आ रही है वो 32 इंच आ रही है। तो मैंने दोनों तरफ 32 इंच पर निशान लगा लिया है और इसको कट कर लिया है। अगर आप बाजू नहीं लगा रहे तो आप इस पूरे कपड़े को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, यानी कि ये हमारे 2 पार्ट निकल आएंगे नीचे के पार्ट के लिए। यहाँ पर मैंने आगे पीछे के पल्ले को 4 फोल्ड करा हुआ है। नीचे की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को थोड़ा सा तिरछा मिला लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा। वैसे तो हाई लो की कटिंग सर्कुलर शेप में होती है, लेकिन हमारे पास कपड़ा कम है इसलिए हम इसको स्क्वायर शेप में ही कटिंग कर रहे हैं। दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बैक पार्ट को अलग रख देंगे। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है तो हम फ्रंट के पार्ट को सीधा खोलेंगे और इसके बाद हमें 20 सेंटर में 4 इंच पे एक निशान लगाना है ऊपर की तरफ और इसे हल्का सा राउंड शेप दे देनी है। यानी किनारे से 2-3 इंच छोड़कर हमें इसकी राउंड शेप देनी है। यानी कि इस कपड़े की लंबाई हमें कम करनी है राउंड शेप में। राउंड शेप देने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यह हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बाजू के लिए मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा है जिसे मैंने
फोर फोल्ड कर लिया है, इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। ऊपर से मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है और आर्म होल का सेप दे दिया है। आर्म होल का सेप देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बाजू मैं थोड़ी फूली फूली सी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी नीचे की गोलाई ज़्यादा नहीं कट की है, हल्की सी कटिंग की हुई है। तो ये हमारा टॉप पार्ट और बाजू की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और यहाँ मैं जो इसकी गले की लंबाई 3.5 इंच ले रही हूँ। लंबाई चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ राउंड शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट में भी स्क्वायर बॉक्स बनाना है और उसकी भी ऐसी कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर जो बैक पार्ट की गले की कटिंग करी है वो 3 इंच पे करी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे के घेरे रेडी करने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर हल्के हल्के गैदर दे रही हूँ। दोनों पार्ट में हमें ऐसे ही गैदर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने इन पार्ट को रेडी कर लिया है। इस नीचे के पार्ट की चौड़ाई उतनी रखी है जितना कि हमारे टॉप पार्ट की कमर की है। इसके बाद हमें 20 सेंटर पे निशान लगाना है दोनों का, और 20 सेंटर मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ जो मेरा नीचे का घेरा है वो सीधा है और ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो मैंने उल्टा रखा हुआ है, और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस हाई लो टॉप के साथ मैंने प्लाजो भी बनाया है, जिसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। टाई नॉट का प्लाजो है, आप उस वीडियो को देखकर उस तरह का प्लाजो भी बना सकते हैं। तो यहाँ सीधी सिलाई लग चुकी है। तो देखिए यहाँ मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद से हमें ऐसा ही बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पर बाजू रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 13 इंच और यहाँ चौड़ाई 4.5 इंच ली है। ये मैंने प्लाजो बनाया था तो ये उसी के मैचिंग का कपड़ा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्लीव्स का कपड़ा सीधा रखा है और नीचे जो कपड़ा लिया है उसे मैंने उल्टा रखा हुआ है, और इसके ऊपर हम एक सीधी सिलाई कर लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ पलटेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं इसमें रबड़ लगा रही हूँ, यानी कि रबड़ इंसर्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या आप इसमें रबड़ लगाकर इसमें चुन्नटों का सेप भी दे सकते हैं। हमें दोनों बाजू ऐसे ही रेडी कर लेनी है। रबड़ लगाने के बाद देखिए ये दोनों बाजू कुछ इस तरह से दिख रही है, आप भी ऐसा बना सकते हैं या प्लेन भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद हम गले में ये मैचिंग की पट्टी लगाएंगे, ये ओरे पट्टी है। इस पट्टी को मैंने बाहर की तरफ शो करना है, इसके लिए मैंने टॉप पार्ट के कपड़े को सीधा रखा है और नीचे जो पट्टी है उसे भी मैंने सीधा रखा हुआ है। दोनों को मिलाने के बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पे छोटे छोटे कट दे देंगे। कट देने के बाद हमें इस पट्टी को बाहर की तरफ सो करना है, तो हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, यहाँ पर गले में किनारे की सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही सेम हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। ये बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। इसके बाद दोनों पार्ट को लेना है और इस पे हमें तीरे की सिलाई कर लेनी है। दोनों पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इस पे हम तीरे की सिलाई लगा लेंगे। तीरे की सिलाई के बाद हम यहाँ बाजू अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने टॉप पार्ट को सीधा रखा हुआ है और बाजू को उल्टा रखा हुआ है। बाजू और तीरे को सेंटर से मिलाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली है, आप भी इस तरह से बाजू अटैच कर लीजिएगा। और इसको हम उल्टा कर रखेंगे और हमारा जो फिटिंग का निशान है, जो भी हमने फिटिंग का निशान दिया है उतना फिटिंग पे सिलाई करते हुए हमें
इस टॉप को रेडी कर लेना है। दोनों तरफ से हमें फिटिंग का निशान लगाना है, जितना भी हमने फिटिंग का निशान रखा है। अगर आप इस टॉप में बाजू नहीं लगाना चाहते तो आपका 1 मीटर कपड़े में ही ये हाईलो टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखकर इस टॉप को बनाना सीख सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टॉप कैसा लगा आपको। अगर आपने बनाया है अपने बच्चे के लिए तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पिक्चर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ फिटिंग लग चुकी है। अब हम नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर एक किनारे की सिलाई लगाकर इस पूरे घेरे को रेडी कर लेना है। तो देखिए टॉप बनकर रेडी हो गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ बो भी बनाया है। प्लाजो का वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा।